क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो कोई एपी है उसके फर्स्ट 17 टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है, यानी कि एस 17 है ना। और एस 17 क्या होगा बताइए, एस 17 का फॉर्मूला क्या होगा, एन बाय टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। एन बाय टू मतलब एन की वैल्यू कितनी है 17, यानी कि 17 बाय टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस, हाँ भाई, n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 17, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16d। करेक्ट, यानी कि s 17 इज इक्वल्स टू 17 बाय 2। अब ध्यान दें, देखिए ये 2 इंटू ए है और ये 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 8, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ a बचेगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ a बचेगा और प्लस यहाँ 8 बचेगा। इसमें कोई डाउट है बताइए, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हाँ कहाँ पे माइनस है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस क्यों होगा है ना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो एन माइनस वन मतलब समझिए ना भाई, टू ए और प्लस एन माइनस वन का मतलब 17 माइनस वन हो गया यहाँ, और 17 माइनस वन कितना होता है 16 होता है, तो फिर मैंने यहाँ क्या कर दिया था 16। ओके, और देखिए फिर 16 को मैंने क्या लिखा, 16 को मैंने लिखा 2 इंटू 8, तो यहाँ से और यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ a बचेगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 8d बचेगा, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताइए कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, s 17 इज इक्वल्स टू 17 बाहर और ब्रैकेट में क्या 17 इंटू ए प्लस 8 इंटू डी। करेक्ट, तो अब आपको a की वैल्यू मिल जाए और a अगर आपको d की वैल्यू मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन आप अपनी कॉपी में सबसे पहले सॉल्व करने से पहले लिखेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, तो ये आप लोग लिख लिया करिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े बार बार। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि ये फाइंड करना है, कह रहा है उस फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स आर माइनस 15 एंड माइनस 30 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, मतलब फोर्थ टर्म क्या है माइनस 15 है और नाइन्थ टर्म क्या है माइनस 30 है, तो फोर्थ टर्म का मतलब ए फोर, फोर्थ टर्म कितना है माइनस 15। ओके, और फोर्थ टर्म को लिखने का स्टाइल क्या होता है, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है ना, 4 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3d, तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से देखिए नाइन्थ टर्म क्या है माइनस 30 है, ठीक है, तो नाइन्थ टर्म क्या है माइनस 30 है, और नाइन्थ टर्म को लिखने का स्टाइल क्या है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल्स टू वॉट माइनस 30। कोई डाउट है, अच्छा एक चीज़ देख रहे हो आप सुनो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब पता है क्यों, ध्यान से चेक करो, a प्लस 8d की वैल्यू ही मिल गई मुझे डायरेक्ट, a और d मुझे पता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना। फिर भी आपको अगर मान लीजिए कि a और d निकालना हो तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ नाम बना लो, सपोज ये इक्वेशन 3 है, ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर 3, डायरेक्ट आ गया ये, तो s 17 इज इक्वल्स टू 17 इनटू, हाँ भाई a प्लस 8d की जगह आप क्या रखोगे, a प्लस 8d की जगह आप क्या रखोगे माइनस 30 रखोगे। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने क्या रखा माइनस 30 रख दिया इसकी जगह, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए कोई डाउट है इसमें, ये तो सिंपल आ गया, a और d नहीं निकालना पड़ा मुझे है ना, और वैसे भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा तो है नहीं उन्होंने, s 17 पूछा तो वो मेरा सीधे आ जाएगा, देखो अब प्लस माइनस माइनस और 17 थ्रीजा कितना होता है 51, ओके, और जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स आर दिस एंड दिस इज माइनस 510। ओके, कर लीजिए, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप लोग एक काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, फर्स्ट टर्म a और d की जरा वैल्यू बताओ मुझे कमेंट करके।